नमस्कार। आज मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद क्या क्या चल रहा है। तो अभी कल ही एक वाकया हुआ है कि जो हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह, उन्होंने मोहम्मद आमिर को फिक्सर बोल दिया। तो ये ऐसा स्टार्ट हुआ कि मैच से पहले हरभजन ने ये बोला था कि इंडियन टीम इतना तगड़ा है कि पाकिस्तान टीम को इसको वॉकओवर दे देना चाहिए। हालांकि ये स्टेटमेंट खुद से ही गलत था, उनको इतना कम नहीं आंकना चाहिए था। लेकिन मैच के बाद जैसे इंडिया आ गया, तब मोहम्मद आमिर ने काफ़ी बचकाने हुए स्टेटमेंट्स हरभजन सिंह को बोले। तो अंत में हरभजन सिंह ने उनको ये बोल दिया कि मेरे को मैच फिक्सर से कुछ नहीं सुनना है। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि मोहम्मद आमिर 10-12 साल पहले मैच फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए थे, या इसको स्पॉट फिक्सिंग भी बोल सकते, स्पॉट फिक्सिंग कॉन्ट्रोवर्सी में पकड़े गए थे कि उन्होंने जानबूझकर कैमरे में उन्होंने ये माना था कि वो किसी स्पेसिफिक स्पेल में और किसी स्पेसिफिक बॉल में नो बॉल डालेंगे। इंग्लैंड में ये टेस्ट मैच था, तो ये वाकया काफ़ी उस समय चर्चा में आया था, जिसके बाद उनको और उनके साथी बट को और भी एक दो प्लेयर्स थे, शायद मोहम्मद आसिफ, इन लोगों को बैन हो गया था। तो उसके बाद जब से बैन हट गया है, मोहम्मद आमिर फिर से खेलने लग गए। लेकिन वो वैसे भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सियल प्लेयर हैं, कभी आ जाते हैं, कभी रिटायरमेंट ले लेते हैं, कभी उनको टेस्ट मैच नहीं खेलना होता है। तो अभी हालांकि वो फिर से भी सोशल मीडिया पर इसलिए चर्चा में आए क्योंकि उनको हरभजन सिंह ने बोल दिया कि मैं या फिक्सर हो एंड मैं आपसे कुछ नहीं सुनना चाहता। ये बात उन्होंने उनको सही बोला है, लेकिन एक ये भी है कि हरभजन सिंह को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था कि मैच से पहले आप किसी भी टीम को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था। और वॉकओवर टाइप ऑफ चीज़ बोलते आप मौका देते हो उन लोगों को कुछ भी बोलने का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। Thank you.